समाजवादी पार्टी ने विधानसभा परिषद सदस्य वासुदेव यादव के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग के गेट पर पिछड़े वर्गों के हितों के विरुद्ध साजिश रचने के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंप कर धांधली में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग की। महानगर अध्यक्ष सैफशून्य इफ्तिखार हुसैन, प्रदेश प्रवक्ता निधि यादव, नगर महासचिव रविन्द्र यादव रवि के साथ सैकड़ों अधिवक्ताओं, महिलाओं व सपा पदाधिकारियों ने लोक सेवा आयोग गेट घेर कर नारेबाजी की। यहाँ पे सुनहरे सपने लेकर आता है, यहाँ हमारे खड़े तमाम पुलिस के तमाम जवान, यहाँ महिलाएं भी उपस्थित हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। आप लोगों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब आप लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में आते हैं सुनहरे सपने लेके, संवैधानिक अधिकारों के भरोसा करते हुए जब आप यहाँ पर आते हैं सरकारी नौकरी की अपेक्षा लेकर, आशाएं लेकर, तो आपको ये कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि आप सरकारी नौकरी पाएंगे और आपका परिवार ही नहीं बल्कि आपके समाज को एक बहुत बड़ा मनोबल देने का काम करेंगे। हमारे बीच में बाबू वासुदेव यादव जी हैं। आखिर क्यों ये आरक्षण का मुद्दा इनके दिल के इतने करीब है, क्योंकि ये खुद एक पिछड़े समाज से आते हैं, डायरेक्टर के पद पर रहे, शिक्षा निदेशक के पद पर रहे उत्तर प्रदेश में, और इन्हें पता है आखिर गरीब दलित पिछड़े की लड़ाई क्या है और क्या इसके मायने होते हैं कि जब आप एक सरकारी सेवा में जाते हैं कैसे आपका पूरा समाज आगे बढ़ता है। शायद आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो यहाँ जितने तमाम पुलिस के साथी खड़े हैं, अफसर खड़े हैं, आधे से ज्यादा तो यहाँ मौजूद ही नहीं होते। अभी SGI के 309 पद आए, 309 पदों में 27% के आरक्षण के हिसाब